इस कंपनी का नाम मारता हूँ मैं तो दिखाता है 5 किलोमीटर अंदर जंगल में। एकदम घर का चावल है, माँ बाप खाने में बहुत मस्त अच्छा लग रहा है और फायदेमंद भी होता है बहुत। बहुत लफड़ा है जी, तो मुझे मालूम है ऐसा कंपनी में 2-3 दिन खाली करने में लगता है, तो क्या कीजिएगा। चल तो इसमें ना बीजो का चिप्स बनता है अंदर में, देखिए तो अभी यहाँ पर सिंपल होगा तो मुझे माल मुझे खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कोई उधर में ना बाथरूम है, देखे नहाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या करे दिमाग लगा है बिहार। नमस्ते भाई लोग, कैसे आप सभी। आप सभी भाइयों को हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आपका भाई है फुलबरिया से, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, रानी हट्टी से थोड़ा सा आगे हूँ पचला। ये सामने में कंपनी है व्हाइट वाला बिस्कुट का कंपनी है, इसी का माल लेकर आया हूँ। तो रात के बहुत घूमने के बाद आपका भाई वहाँ पर जा पाए। इस कंपनी का नाम मारता हूँ मैं तो दिखाता है 5 किलोमीटर अंदर जंगल में गाँव बस्ती में। बताइए इतना बड़ा कंपनी है, मैप पे दिखाना चाहिए, बताइए ना। इसमें फोन नंबर कुछ दिया है, बताइए रात में मैं किसको फोन करूंगा। तो क्या कीजिएगा, गाड़ी लाने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, कोई बात नहीं। अभी जाते हैं, रात को आए थे तो एंट्री नहीं किया था गाड़ी का, एंट्री हो गया था अंदर में, गाड़ी को नहीं एंटर किया था। तो जाते हैं अंदर में, ऑफिस में कहीं पर जमा करना हो अंदर जाकर उसको जमा करके आते हैं। अभी टाइम 10:30 बज गया है, जाके उसको जमा करते हैं। देखिए आगे यहाँ से जाने का होता है ना रोड का, मैं रास्ता नहीं है, आगे से रास्ता बहुत आगे से रास्ता है, आगे सिंगल है वहाँ से रास्ता है। तो आपका भाई देखिए इसी पर से कुछ जाएंगे। चलिए देखिए सामने में कंपनी है वो ITC, यहाँ से रानी हट्टी है 2 किलोमीटर। देखिए यही जिंदल कंपनी है यहाँ, इसमें आपका भाई एक बार लोड किए थे, 3 टन माल लोड किए थे, 4 दिन यहाँ पर मुझे निकलने में लगा था। चलिए इसको जमा करके आते हैं, यहाँ से कूदते हैं। यही है दिल्ली बॉम्बे हाईवे। आपका भाई बहुत अंदर में आ गया जी, कंपनी के अंदर में जा रहा हूँ, ऑफिस है, स्टोर है, उसमें जाके उसको चेक करवाना है क्या मटेरियल है क्या है नहीं है। देखिए बहुत अंदर में आ गया जी, बहुत बड़ा कंपनी है जी, बाहर से लगता है छोटा बाकी अंदर में है बहुत बड़ा। यहाँ पे चिप्स भी बनता होगा, मेरे यहाँ से आलू गाड़ी है, चिप्स बनता होगा। है WB गाड़ी देखी उधर में खाली की है, मैदा लेकर आया है, बोले 3 दिन में गाड़ी खाली किया है ये, तो बहुत लफड़ा है क्या, खाली करने में टाइम लगेगा क्या। तो अंदर में खाना बनाना अलाउ नहीं है, वो ड्राइवर साहब से पूछा हूँ, बोलते खाना वाना बनाने नहीं देता है, बाहर में आपको खाना पड़ेगा, अंदर में कैंटीन भी नहीं है। तो आपका भाई बाहर में जाएंगे, अभी हाली हाली खाना बना लेंगे समझे, तभी गाड़ी को हमें अंदर में लेंगे, क्योंकि पालक खराब हो जाएगा। देखिए अंदर में है ऑफिस, आ गए, देखिए पहुंच गए, उस सामने में जाना पड़ेगा, वो आगे कंटेनर के पास, इतना घुमाएगा जी हमको। आपका भाई जाकर अभी जाके बिल्टे अभी मैं जमा किया हूँ, तो बोले है अंदर में जो ऑफिस में बैठे हुए हैं बंगाली बाबू लोग, अंदर में जगह नहीं है, कल घुसाएंगे गाड़ी को। मतलब भाई इतना पूरा खाली है, पूरा खाली अंदर में घुसा दो, बाहर में क्या बाहर में लफड़ा है समझे कि नहीं। तो बोले है शाम तक आइएगा, शाम को आपको बताएंगे, तो शाम में फिर मुझे आना पड़ेगा, वो तो फोन करने वाला है नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा समझे। बहुत लफड़ा है जी, तो मुझे मालूम है ऐसा कंपनी में 2-3 दिन खाली करने में लगता है, तो क्या कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये सब कंपनी का माल आइएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो इसमें ना बीजो का चिप्स बनता है, अंदर में गए थे तो अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। भाई आ गया कंपनी में से, चले वो लोग खाना बनाते हैं, उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं, दही चूड़ा दही पलकुल के बनाएंगे, खाना बना के उसको फिर जाएंगे अंदर में, जाएंगे ऑफिस में जाएंगे, फिर उसको बोलने, क्योंकि लफड़ा जब तक नहीं जाएंगे ना
बोलने बार बार जब तक तो गाड़ी अंदर नहीं घुसाएगा, और बाहर में टेंशन है जी, पुलिस वाला यहाँ पर दिक्कत करता है समझे, यहाँ पर बहुत लफड़ा है। एक तो जगह के यहाँ पर परेशानी है, जगह का कमी है, ऊपर से गाड़ी भी अंदर नहीं ले रहा है। चलिए नाश्ता करते हैं, इतना दही अभी बचा हुआ है, आधा खा गए हम। देखिए दही चूरा भी खाएंगे। आपका भाई दही खा के बहुत ठंडा हो गया है। दही चूड़ा खा लिए, बनाते हैं खाना। तो देखिए घर पे गए थे ना, तो माँ घर का चावल भी हुआ था धान, उसी का देखिए नया वाला चावल दे दिए। तो इसका ना मार भात खाने में बहुत सुंदर लगता है, बचपन का चलो याद आ गया। तो बचपन में मार भात आपका भाई बेसी खाते थे। देखिए कितना चावल मेरा माँ दे दी है, 5 से 7 किलो चावल दे दिए। बताइए बोले थे, हम बोले नहीं थे लेने के लिए, अपने मन से बुरा बुरा में झुरा में रख दिए। जानते नहीं है माँ तो माँ होता है, माँ माँ जितना प्यार करने वाला आपको दुनिया में कोई नहीं मिलने वाला है। आज आपका भाई मार भात खाएंगे, चलिए बनाते हैं इसको। और साग को देखिए, साग अभी ठीक है, एकदम हरा हरा है, इसको आलू डाल देंगे। नया आलू भी ले लिया हूँ, नया आलू इसमें डाल के बनाएंगे, खाने में बहुत मस्त लगेगा। चलिए अच्छा तो बना जाइए। इसमें ना धांग नहीं होता, वो खोइया तो इसमें था, तो 3-4 पानी से धो लिया हूँ, साफ हो गया है। तो रात का भी चावल बना लिया हूँ, क्योंकि अंदर घुसेंगे तो फिर खाना बनाने नहीं देगा, फिर बाहर में आना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। तो चावल थोड़ा बेसी बना लिए हैं, चलिए अब साग को काटते हैं, रेडी करते हैं। देखिए इसमें ना लहसुन का ही पत्ता है, इसमें डाल देंगे तो खाने में मजा आएगा। और धनिया भी दे दिए, देखिए धनिया, आह मस्त खुशबू आ रहा है जी। ये लहसुन के पत्ता है ये, देखिए इसका भी डाल देंगे ना इसमें, तो साग में और स्वादिष्ट भर जाएगा। फिर इसको काटते हैं, आलू डाल के सब्जी बनाएंगे, मजा आएगा खाने में। अब सब्जी बनाते हैं जी। देखिए साग को काट के अच्छा से धो दिया हूँ साफ से, और इधर में नया वाला आलू गांव से लेकर आए हैं, डालते हैं इसमें मिर्ची पहले। वाओ आज बचपन के खाए हुए मार भात खाएंगे आज, देखिए पूरा गरम मार है, खाने में अच्छा लगता है मार भात। आप लोग खाए होंगे तो पहले कमेंट कीजिएगा, हम तो पहले बचपन में बहुत खाया हूँ। खाने में बहुत सुंदर लग रहा है जी मार भात चावल, मीठा मीठा लग रहा है। और जो बाजार में लेते ना चावल, उसका मार खाने में आपको मजा नहीं आया, क्योंकि उसका सब ना फैंकर उसका सब निकाल देता है। एकदम घर का चावल है, मार भात खाने में बहुत मस्त अच्छा लग रहा है, और फायदेमंद भी होता है बहुत मार भात खाने से। और देखिए भाई लोग, आपका भाई का सब्जी अब बन चुका है, देखिए देखते हुआ है कि नहीं, हो ही गया होगा। देखिए सब्जी बन के रेडी हो गया है, आलू गला कि नहीं, आलू भी सीख गया है। खाना निकाल लिया और खाते हैं जी, देखते कैसा मना है। पालक आलू का सब्जी, इसमें डाल दिया नहीं है लहसुन का, वो नहीं होता पत्ता, उसका भी टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन नाम ले रहा है जी? बहुत सुंदर बाजार हो सब्जी बना है, लोग खाओ का चलते हैं कंपनी में, जाकर पूछते हैं
गाड़ी के घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा कि बाहर में रखेगा, क्योंकि जब तक नहीं जाएंगे जब तक वो कॉल नहीं करने वाला है। तो बोला था आपको मैं कॉल करूंगा, तो जाकर देखते हैं। अभी टाइम बज गया, 4 बज गया, जाकर चलते हैं ऑफिस में, जाके पूछते हैं गाड़ी घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा, क्योंकि अभी तक कॉल नहीं किया ना फोन फान किया है। देखिए हाईवे के बगल में हूँ, सही से नींद भी नहीं आ रहा है जी, इतना ना गाड़ी का आवाज़ आ रहा है हॉर्न का, रोड का, क्या बोले कोई सुविधा नहीं है जी। चलते हैं, चलिए पहले गेट को देख लेते हैं, यहाँ पर ना चोरी चमारी बहुत होता है, तो देख लेते हैं गेट लॉक हुआ है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं कंपनी के अंदर। चलते गाड़ी कितना चल रहा है बाबा रे, बहुत गाड़ी चल रहा है जी। चलिए चलते हैं, ये बाइक बहुत स्पीड में है, बुलेट। आपका भाई ना बोल के बिल्टी ले लिया जी, बिल्टी नहीं दे रहा था, बोला कल घुसाएंगे, मैं घुसा दो बाबा बाहर में बहुत तंग कर रहा है पुलिस वाला लोग। तो भाई लोग समझदार थे, सर से बात करते हैं, तो बात किए और ठीक है जाइए, अभी जाएंगे उसको जम अभी गेट में अभी जमा देंगे, फिर वहाँ पर एंट्री होगा, फिर गाड़ी उड़ी घुसेगा समझे। तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, प्रक्रिया में ना टाइम लगेगा। अभी गए थे वहाँ पे ऑफिस में, तो अभी बोले है ठीक है गाड़ी लेकर आइए, जाके बोले है भैया गाड़ी घुसा लीजिए, तब गाड़ी का भी बोले ठीक है लेकर आइए, तो आगे सिंगल पर से घुमा कर आऊंगा, पचला सिंगल है आगे। ये ब्रिज है, यहाँ से घुमा लेते हैं, छोटा सा बाजार है। चलिए गाड़ी को घुमाते हैं प्यार से, बहुत भीड़ भाड़ जगह है, बाजार लगा हुआ है, देखिए कभी मैं गाड़ी चलाइए एकदम ठंडा दिमाग से, कोई किधर से घुस रहा है, कौन क्या से जा रहा है। देखिए और एक गाड़ी आ रहा है कंटेनर, उसको भी घूमने नहीं दिया, तो मेरे पीछे पीछे वो भी आ रहा है, कंटेनर है। चलिए आगे गाड़ी लेकर देखिए, तो अभी यहाँ पर सिंपल होगा, तो मुझे माल मुझे खुद से निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर माल को हाथ लगाने वाला है। चलिए खोल के सिंपल निकालते हैं, 7 बोरी, 1 बोरी नहीं ना हो, कई बोरी हो, 7 बोरी, 7 बोरी निकालना पड़ेगा। देखिए ये निकाल ले, ये कहाँ से लाए है जी, हाँ लोकल लाए है, सिंपल अभी ले जाएंगे तो 12 घंटा इसमें ये लगता है चेक करने में ना हो, 10 घंटा चेक करेगा इसको कैसा है नहीं है, कल आप लोग को मालूम चलेगा कैसा खाली होता है कि नहीं होता है। चलिए वालो इसको निकालते हैं खोल खाल के, अभी टाइम बज गया है 9, तो सैंपल देकर फिर सैंपल को ना अभी वो चेक इन में गया है, फिर वो माल लेकर आएगा, फिर गाड़ी में लोड करेगा, तो खाली उधर साइड में होता है, तो फिर बोले भाई लोड कर देना, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, तो गए उधर में ना बाथरूम है, देखे नहाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या करे दिमाग लगाए, बाल्टी लेके गए, पानी लेके आए और यही साइड में नहा लिए, एक बाल्टी में नहा लिए, पूरा अभी शरीर फ्रेश हो गया, बूटी उटी क्योंकि नहाला 2 दिन, आपका भाई का नहाया हुआ 2 दिन हो गया था, दूसरे मॉर्निंग हो गया था जी, तो वही कंपनी के नहाए हुए थे, तो क्या करें यहाँ पे खाना बनाना अब नहीं है, अब यहाँ पर खाना बनाना सब बंद, और आपका भाई जो दिन में बनाए थे चावल साग बचा हुआ खा के सोते है, फिर आज से कल से कैंटीन में खाएंगे बाहर में, अंदर में कैंटीन नहीं है, इतना बड़ा कंपनी है कैंटीन रहना चाहिए, तो बाहर में खाना पड़ेगा, चलिए क्या करेंगे खाना तो पड़ेगा ही, चलिए ये खाते हैं
साग भात सोते हैं। सुबह में देखेंगे क्या होता है, खाली खुली गए कल मालूम चलेगा, क्योंकि सैंपल तो ले गया है। सैंपल चेकिंग करने में 10 घंटा लगता है, एक दिन लगता है, तो रात भर में सैंपल चेक हो जाएगा। साबा खाने में बहुत मस्त लग रहा है जी। चले भाई लोग खाओगे सोते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई को इसी सपोर्ट करते रहिए और भाई को परसी प्यार बनाए रखिए। लव यू भाई लोग, गुड नाइट।